हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बॉस इन्फो जोन में। मेरे सभी दिव्यांग साथियों, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि फ्री में बस यात्रा आप लोग कैसे करें। आप चाहे जिस से भी राज्य से बिलोंग करते हो, आपको इंडिया का नागरिक होना अनिवार्य है। आप अपने यूडी आईडी कार्ड के माध्यम से बस यात्रा कर सकते हैं, वो भी 100% फ्री विदाउट एनी कॉस्ट। उसके लिए आपकी कम से कम जो दिव्यांगता है कम से कम 40% होनी चाहिए, चाहे आपकी कैटेगरी जो भी हो चलेगा। दोस्तों, आपको भारत सरकार की तरफ से बहुत सारी योजनाओं का लाभ दिया जाता है। अधिकांश दिव्यांगजन ऐसे हैं जिनको उनको इस योजना के बारे में मालूम ही नहीं है। चलिए आज आप हमको बताते हैं कि बस यात्रा फ्री में कैसे ट्रैवल करेंगे। अगर आप अपने स्टेट में हैं तो आप वहाँ भी अपने सरकारी योजना का लाभ ले सकते हैं। उसके लिए आपको अपने बस सरकारी बस अड्डा जाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट ऑफिस जाकर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, जहाँ से आपको एक महीने की कार्ड मिलेगा जिस पे आप सफ़र करेंगे, और फिर दूसरे महीने के लिए फिर आपको इशू करवाना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से दूसरे जगह जाते हैं जैसे काम के सिलसिले में, या फिर आपके आपका वहाँ पर मकान है, चाहे कुछ भी, आप लंबे सफ़र के लिए जाते हैं, तो आप वहाँ के सरकारी विभाग में जाके, जो ट्रांसपोर्ट ऑफिस का विभाग होता है, वहाँ पे आप जाके आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। एक फॉर्म भरेंगे जहाँ से आपको एक आइडेंटिटी कार्ड मिलेगा, जिसके माध्यम से आप वहाँ के सरकारी बस में बहुत ही आसानी से सफ़र कर पाएंगे। अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आपको हमारी बातें समझ में कोई दिक्कत आ रही है, तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। पूरे भारतवर्ष में यह लागू है। जो भी दिव्यांग व्यक्ति इसका लाभ लेना चाहते हैं अवश्य लें, क्योंकि मैंने भी इसका लाभ उठाया है। जितने मेरे दिव्यांग भाई हैं, अगर उनको दिव्यांगता से रिलेटेड कोई भी समस्या, आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा गंभीर होगा तो हम उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। चलिए मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक ले बाय एंड टेक केयर दोस्तों।